हे गाइस गुड मॉर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर ट्वेंटी एंड इट इज़ फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम एडाप्टेशन कोर्स कोड इज एस थ्री डबल वन थ्री सो एज़ यूजुअल जिस तरह हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया आज भी हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ

बाई इफेक्टिव करिकलम इफेक्टिव करिकुलम की जानब से जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं उनको देखेंगे सो so, ये तीन हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनशाला सो so, हमारे पास अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन को देखें फाइव पॉइंट वन मैथिंग स्टूडेंट विथ करिकलम ये मौजूद है हम इसी को ही डिस्कस करेंगे आज सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं करिकुलम इज एक्चुअली आर द वेज करिकुलम बेसिकली वो रास्ते हैं विच आर एडाप्टेड जिनको एडॉप्ट किया जाता है जिनको मॉडिफाइड किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को स्कूल में एडजस्ट किया जा सके चाहे वो जनरल एजुकेशन से बिलोंग करते हों या स्पेशल एजुकेशन से बिलोंग करते हों बिलीव हम ये यकीन रखते हैं कि स्टूडेंट्स हमेशा हर कौम का एक सरमाया होते हैं और एसेट्स को हमेशा प्रॉपर्टी ही समझा जाता है इसलिए यहां पे ये बात करना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट या करिकुलम इन दोनों का आपस में क्लोज और स्ट्रांग रिलेशन होना चाहिए ये एक दूसरे को एक्सेप्ट इनको इनको एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और एक दूसरे में मर्ज होना चाहिए इस फिना को समझने के लिए ये जो हमारा आज का लेक्चर है हम उन प्रिंसिपल्स की इंप्लीकेशन की बात करेंगे जो कि एजुकेशनल सिस्टम में फोर की एलिमेंट्स के सिस्टमेटिक डिजाइन में कंसीडर होते हैं और ये चार की एलिमेंट्स क्या हैं नंबर वन पे है करिकुलम नंबर टू पे इंस्ट्रक्शन नंबर थ्री पे असेसमेंट नंबर फोर पे है प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी कि पहले करिकुलम बनेगा फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के जरिए उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा फिर उसकी असेसमेंट की जाएगी और इससे बच्चे के अंदर एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी तो ये चारों की एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं और ये जरूर जहन में रखें कि ये जो चार प्रिंसिपल की प्रिंसिपल की एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं करिकुलम इंस्ट्रक्शन असेसमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन चारों का ही आपस में लिंक है हम हाँ आगे चलते हैं जी लर्निंग की जो प्रमोशन है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवांस स्टडी वो बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है कि जो प्रोग्राम होते हैं एडवांस स्टडी के लिए वो बाकी प्रोग्राम्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको काफी हद तक शेयर भी करते हैं क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं यही ऑब्जेक्टिव बाजा मैथ और साइंस या कुछ इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी अप्लाई होते हैं चाहे लेवल कोई भी हो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट स्लाइड पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग चूंकि ये चारों की एलिमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि ये चारों की एलिमेंट्स क्या हैं। अगर इनकी प्रैक्टिस की जाए तो इनको आपस में म्यूचुअली इंटरनली अलाइन करने की जरूरत है आपस में रिकनेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि अगर इन चारों में से कोई एक एलिमेंट मिस हो गया तो आपको वो पर्टिकुलर आप ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकेंगे जो आपको करने चाहिए क्योंकि इस अलाइनमेंट या इंटरडिपेंडेंस के बगैर तो डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो कभी नहीं आती फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर्स सिर्फ टीचिंग पे ही फोकस करें और वो टीचिंग के अंदर शामिल हो सकता है हो सकता है बिग आइडियाज हों टीचर सिर्फ बिग आइडियाज टीच करने पे ही फोकस करे और टीचर उसकी असेसमेंट ना करे तो ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि स्टूडेंट ने समझा कितना है अंडरस्टैंड कितना किया है और स्टूडेंट हमेशा कोर कॉन्सेप्ट जो मरकजी जो ख्याल होता है कोर कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट हमेशा उसी को समझते हैं हर टॉपिक से सिस्टमेटिक या डायनामिक रिलेशन जो इन चारों की प्रिंसिपल्स के दरमियान या इन चारों की एलिमेंट्स के दरमियान मौजूद है इसका ये भी मतलब है कि अगर किसी एक एलिमेंट में चेंज की जाएगी तो सेम चेंज दूसरे एलिमेंट में भी उसकी जरूरत पड़ती है या होती है और वो लाजमी होती है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्लाइड पे आप देख सकते हैं इसेंशियल टू रेकग्नाइज इसेंशियल जरूरी है टू रेकग्नाइज पहचानने के लिए क्या जरूरी है पहचानने के लिए हम इसको देखते हैं मजीद ये ये बहुत ज्यादा जरूरी है पहचानना कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट का जो क्रिटिकल रोल है इंपॉर्टेंट रोल है वो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत जरूरी है स्कूल का जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है या क्लासरूम का जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है जिसमें यह जो पॉइंट्स हैं वो एजुकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं ये यकीनन अफेक्ट करते हैं टीचर जब उस करिकुलम को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है या टीचर जब उन इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है और असेसमेंट वो यकीनन लर्निंग की प्रमोशन की बात करती है हम जरा इन चारों की एलिमेंट्स को समझ लेते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए हैं। इसमें नंबर वन पे करिकुलम था समझने के लिए जो करिकुलम है वो इंटेंशनली डिजाइन किया जाता है उन तमाम ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल के साथ या इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स के साथ जो उस डोमेन के लिए जरूरी है और ये बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है ताकि बच्चे को इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन मुहैया कर सके और इसमें कुछ मुख्तलिफ तरह के बैकग्राउंड होते हैं ऐसा जो करिकुलम है वो हमेशा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है बच्चे को इसमें बच्चे के लिए जेनुअन अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस भी हैं और मैथमेटिक्स में मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ एंट्री वगैरह या साइंस के अंदर भी मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ मतलब इन दोनों सब्जेक्ट्स के हवाले से एक डिफरेंट ये मैं सिर्फ एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ ये दो सब्जेक्ट्स आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ये बेसिकली कुछ स्टडीज हैं कुछ रिसर्च है मैंने उनके हवाला जहां पर लिख दिए जो कि आपको नोट्स में नजर आएंगे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सो so, मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं नॉलेज जो है वो स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है मैनी यानी कि बहुत ज्यादा जो करिकुलम या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है ये बेसिकली उस तरह डिजाइन नहीं किए जाते जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं अपने नॉलेज को कंडीशनलाइज करें फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक्स टेक्स्ट बुक्स जो है वो स्टूडेंट को ज्यादा बताती हैं किसी के हाउ टू डू समथिंग कि क्या चीज कैसे करनी है बजाय बजाइए कि आप उन कंडीशन को समझते रहें ये साइमन ने कहा था नाइनटीन एटी में कि समझने से ज्यादा किसी चीज को करना कैसे है कि जब आप बच्चे को सब बाज़ का समझाते रहते हैं समझाने से ज्यादा जब आप बच्चे से वो काम करवाते हैं तो जो एक्टिविटी है वो ज्यादा इफेक्टिव है समझाने से वेल well डिज़ाइन जो लाइब्रेरी होती है या सॉरी uh, वेल well जो लैबॉर जो एक्सपीरियंसेस है मींस कोई ऐसा एक्सपीरियंस uh, कोई ऐसी एक्टिविटी जो वेल well डिजाइंड हो वो बच्चे को जरूर एनकरेज करते हैं कि वो अपना जो नॉलेज है वो अप्लाई करें और अपनी स्किल्स भी अप्लाई करें ताकि कंक्रीट या रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो गेन कर सके नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को चूंकि बहुत ज्यादा एक अच्छे कंटेंट का नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है बाज वो मीनिंगफुल पैटर्न में ऑर्गेनाइज नहीं होता और स्टूडेंट बाज इस तरह के कंटेंट को ना जल्दी भूल भी जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप इस वक्त ग्रेजुएशन लेवल पे हैं बी एड के स्टूडेंट्स हैं और मैं आपसे पूछूं कि आपने क्लास थ्री में क्या पढ़ा था अब आपको याद नहीं होगा हालांकि आप वो कर चुके हैं सीख चुके हैं लेकिन क्लास थ्री के अंदर जो आपका सीखा हुआ नॉलेज है वो आप अप्लाई जरूर कर रहे हैं कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के प्रीपोजिशन हो गए वो चीजें आपने इन ऑन एट उस वक्त पढ़ा था बेसिक चीजें हैं नाउन पर नाउन के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने उन दिनों प्रैक्टिस किया होगा वो आप उसको अप्लाई जरूर कर रहे हैं आज इस लेवल पे ये जो करिकुलम जो समझने के लिए करिकुलम होता है वो एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को ताकि वो अपना नॉलेज अप्लाई करें तरह की कंडीशन या कॉन्टेक्स्ट में इससे बच्चे की जो लर्निंग है वो ट्रांसफर होती है नई सिचुएशन में और बच्चे को फ्यूचर लर्निंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करती है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट यह बात जरूर एक्सेप्ट की जाती है स्टूडेंट्स अपनी फैमिली अपने जो सोसाइटी है या कल्चरल एक्सपीरियंसेस है उनसे मीनिंग्स और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं जब यही जब इसी तरह का कोई करिकुलम स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस पर डिजाइन किया जाता है तो टीचर्स बच्चों को स्टूडेंट्स को हमेशा उनके प्रायर नॉलेज पे ही इंगेज करते हैं और इस तरह उनके नॉलेज को रीस्ट्रक्चर किया जाता है और स्टूडेंट्स के अंदर जो मोटिवेशन है उसको एनहांस की जाती है अगर स्टूडेंट्स कल्चरल सोशल और अपने ही हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को ड्रॉ करते हैं सामने लेके आते हैं खासकर उस कंडीशन में जिसमें जिसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन कहते हैं तो इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा इजाफा होता है इसमें हमेशा जो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज होती हैं उनको डिजाइन किया जाता है और स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के जरिए इस टारगेट को हासिल किया जाता है जो कि रियल या स्टिमुलेटेड, रियल या सामुलेटेड फैशन में डिजाइन की जाती हैं और इस तरह स्टूडेंट्स को वो माहौल मुहैया किया जाता है कि वह खुद उस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करें उसको सॉल्व करें और उसके बारे में इंक्वायरी करें और इसमें बच्चा अपना जो प्रीवियस नॉलेज होता है प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होता है उसको जरूर यूज करता है नेक्स्ट हमारे तो पास पॉइंट है अपॉर्चुनिटी बाय इफेक्टिव करिकुलम जो इफेक्टिव करिकुलम होता है वो बेसिकली इनकॉर्पोरेट करता है सोशलाइजेशन को और किस तरह इंकारपोरेट करता है एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर प्रैक्टिस करवा के इनकॉर्पोरेट करता है और स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ताकि वो इंक्वायरी के जो मोड्स हैं मुख्तलिफ जो वेज ऑफ इंक्वायरीज हैं उनको अप्लाई करें और सच को तलाश कर सकें ट्रूथ को फाइंड आउट कर सकें और हर डोमेन का जो प्रोसेस है वो समझने की कोशिश करें हर डोमेन डोमेन मतलब एरिया इसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं वो रोजाना की दुनिया से बच्चे को आइसोलेट नहीं करते जबकि जो स्ट्रांग करिकुलम डिजाइन होता है वो हमेशा एम्फसाइज करता है जोर देता है इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन को आपस के ताल्लुक को इंटीग्रेशन को कलेबरेशन को और ऐसी लर्निंग पे जोर देता है जो कि स्कूल के अंदर भी होती है और स्कूल के बाहर भी होती है ये जो फीचर्स हैं ये लर्निंग को ना सिर्फ चैलेंजिंग बनाते हैं एक्साइटिंग बनाते हैं या मोटिवेटिंग बनाते हैं बल्कि स्टूडेंट्स की हेल्प भी करते हैं ताकि वो अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर सकें और ता, ताकि जो है ना अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकें अच्छे तरीके से और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसी नॉलेज को फिर दूसरे प्रॉब्लम पे भी अप्लाई कर सकें तो जी हमने पहला पॉइंट करिकुलम के हवाले डिस्कस किया अब हम बात करते हैं नंबर टू पे इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन चूंकि हम चार की एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं तो अब हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं अगर मैथमेटिक्स और साइंस की मैं आपको एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ ये जो एडवांस कोर्सेज हैं इनके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो स्टूडेंट्स को ऐसे ही इंगेज करनी चाहिए कि उसमें मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज शामिल हों और ये जो एक्टिविटीज है पर्पजफुली मकसद तरीके से डिजाइन की जानी चाहिए ताकि वो इस चीज को कनेक्ट कर सकें और मोटिवेट कर सकें कि वो पहले से क्या जानते हैं और उसमें उनको मोटिवेट भी करें कि उन्होंने काम क्या करना है इस और इसमें शामिल क्या है नंबर वन पे वो टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है नंबर टू पे बेसिक बुनियादी डिसिप्लिनरी प्रिंसिपल्स बुनियादी जो जबता असूल हैं या जो प्रोसेस है या जो सीक्वेंस है ताकि लर्निंग को ऑप्टिमाइज किया जा सके तीसरे नंबर पे मखसूस जो कॉन्सेप्ट हैं जो किसी एक टॉपिक को समझने के लिए यूज़ किए जाते हैं जिसका बाकी टॉपिक से भी रिलेशन होता है एक ऐसा तसलसल या इंटर डिसप्लिनरी इंटीग्रेशन आपस की कोलेबरेशन जिसमें रिलेशनशिप पे जोर दिया जाता है किस चीज की नहीं रिलेशनशिप पे कॉन्सेप्ट्स के रिलेशनशिप पे जोर दिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल टीचर्स का काम क्या है ताकि वो इंस्ट्रक्शंस हर टीचर इंडिविजुअल टीचर एक कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शंस में डिलीवर करे नेक्स्ट पॉइंट है कोलाबरेटिव टीम्स जिसमें कंटेंट और पैडाकोजी के एक्सपर्ट भी शामिल होते हैं वो भी इंस्ट्रक्शंस के मामले में शामिल होते हैं इंस्ट्रक्शन डिलीवर करने में शामिल होते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक किए हुए जाने चाहिए वो लिमिटेड और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में डिलीवर किए जाने चाहिए नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो एक एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल टाइम में पॉसिबल की जाए ये हम सारी इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं नेक्स्ट है तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इन मोर एक्सटेंडेड एंड मोर फ्लेक्सीबल टाइम मीन्स जो कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मोर फ्लेक्सीबल टाइम में होनी चाहिए तो तीसरे नंबर पे था असेसमेंट अगर असेसमेंट की डेफिनेशन की बात की जाए इट इज मैथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इट इज द मैथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन डिसीजन मेकिंग एंड लेबलिंग यानी कि असेसमेंट क्या है एक ऐसा मैथड है जिसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है फिर आइडेंटिफाई किया जाता है फिर डिसाइड किया जाता है फिर लेबल किया जाता है कि बच्चा पास है या फेल है तो जब आपने करिकुलम डिजाइन किया फिर आपने इंस्ट्रक्शन की मदद से उसको डिलीवर किया अब बारी है असेसमेंट की मींस आपने क्या करना है आपने एक, एक ऐसा मैथड डिजाइन करना है जो कि आपने इंप्लीमेंट करना है ताकि आप आइडेंटिफाई भी करें डिसाइड भी करें और लेबल भी करें कि जो हमारी करिकुलम जो डिजाइन किया गया था या जो इंस्ट्रक्शन उनका इफेक्ट क्या है क्या वो ठीक तरीके से अप्लाई किए जा रहे हैं क्या वो स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हैं या नहीं ये सारा आपने असेसमेंट में देखना और जब आप ये तीनों प्रोसेस ईजीली फॉलो करेंगे तो लास्ट पर आता है आपके पास प्रोफेशनल डिवेलपमेंट प्रोफेशनल डिवेलपमेंट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ करिकुलम इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट जब आप उन तीन चीज़ों पे ईमानदारी से काम करते हैं चाहे करिकुलम हो चाहे इंस्ट्रक्शन हो चाहे असमेंट हो तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बच्चे के ऊपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की सूरत में ही सामने आता है और यहाँ पर ये भी जहन में रखें पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि बच्चे ने क्या सीखा पढ़ाने का मकसद ये भी है कि हमारा हमने क्या सीखा एज ए टीचर हमारे अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है ये बड़ा ज़रूरी है जो एक्सपीरियंस है या जो तजर्बा है हमारे अंदर जो टीचिंग पढ़ाने की जो स्ट्रेटजी है पढ़ाने का जो स्टाइल है वो हमारे अंदर कितना इम्प्रूव हुआ है ये चीज़ें एक टीचर के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होती हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट करिकुलम बच्चे की साइड पे है इंस्ट्रक्शन टीचर ने पढ़ाना है असेसमेंट दोनों की होगी प्रोफेशनल डेवलपमेंट दोनों साइड्स पे होती है बच्चे की भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है टीचर की भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है सो दिस इज़ द लेक्चर फॉर टुडे आई होप दैट यू विल हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग शो योर कॉमेंट्स फॉर शोइंग योर प्रेजेंस And definitely, you can share this information to anyone else. And uh, I would also, if you have any questions, you can ask me please in the comment box or at my WhatsApp number as well. Thank you very much.